Hey guys, welcome to my new vlog. So guys, इस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और गाइस, मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाता हूँ इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो कैसे भी टाइम करके ब्लॉग देता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मैं छोटा भाई समझ के मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप सभी का प्यार का जरूरत है मुझे। और इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ कौन सा काम करता हूँ, किस कंपनी में करता हूँ, किस चीज़ का काम करता हूँ, मैं आप सभी को इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ एंड तक ये ब्लॉग देखें और ब्लॉग का आनंद लें। मैं रूम से लेके पूरा कंपनी तक दिखाने वाला हूँ इस ब्लॉग में क्या क्या होने वाला है, तो पूरा एंड तक ब्लॉग देखें। और देख सकते हैं सुबह का भी 6 बज रहा है, इतना सुबह उठ के ब्लॉग बना रहा हूँ और सब कोई मेरे रूम में भी सोया है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ पे सोया है लोग, अभी लाइट बंद है। तो और क्या क्या आज खाना में बनेगा मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और देख सकते हैं अभी मेरे को कपड़ा भी खींचना है। और बाहर देख सकते हैं पूरा बारिश का मौसम किया है, बारिश जैसा मौसम किया है। चलिए चलते हैं, हम थोड़ा सा खेल से जाते हैं, उसके बाद नहाए धोएंगे, ठीक है। और मैं कपड़ा खींच लिया और देख सकते हैं अमन भाई यहाँ पे खाना बना रहा है, मैं आपसे वीडियो दिखाता हूँ। सॉरी रमन भाई, जैसे चावल यहाँ पे धो रहा है। और ये देख सकते हैं मेरा गैस सिलेंडर, इस पर खाना बनता है। और अभी तो गैस नहीं भरा है और पानी डाल दिया है। खाना में क्या बनेगा मैं आप सभी को दिखाता हूँ, तब तक के लिए मैं नीचे जा रहा हूँ, क्योंकि आज शनिवार है तो मुझे पूजा करना है, तो मैं फूल लाने जा रहा हूँ। और मेरा भाई देख सकते हैं ड्यूटी जा रहा है, जाएगा ड्यूटी, मशीन चलाएगा। देख सकते हैं गाइस पूरा मार्केट में बारिश लगा है और मुझे फूल लेना है, तो वहाँ पे फूल का दुकान है, मैं आप सभी को दिखाता हूँ। यहाँ पे फूल बिकता है यार, बाहर में देख सकते हैं यहाँ पे फूल है, तो मैं लूँगा यहाँ से फूल और खरीद के पूजा करूँगा। और गाइस देख सकते हैं दाल चावल रखा गया है बनने के लिए, और हम जा रहे हैं नहाने, उसके बाद पूजा करेंगे। और मेरा रमन भाई खाना बना रहा था, वही रखा है दाल चावल, तो मिलते हैं आप सभी से नहाने के बाद। सो गाइस देख सकते हैं हमारा सुबह का खाना है तड़का और चावल, और हम रेडी हो चुके हैं खाना खा कर जाएंगे ड्यूटी, और वहाँ पे क्या क्या काम करते हैं आप सभी को दिखाएंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। और गाइस ड्यूटी जा रहे हैं और हाथ में छाता ले लिए हैं, क्योंकि बारिश का चांस दिखा रहा है और बहुत ज़्यादा सूरत में बारिश भी हो रहा है, इसीलिए हम छाता ले कर निकले हैं ड्यूटी की ओर। और जाएंगे आप सभी को कंपनी दिखाएंगे कि हमारा कंपनी कैसा है। और हर दिन का हमारा शुरुआत महादेव से होता है, क्योंकि हमारे कॉलोनी के बाहर महादेव का एक मंदिर है जो हर टाइम महादेव से भेंट होता है। और देख सकते हैं जो हम कंपनी में काम करते हैं यही वाला कंपनी है, जो कि कंपनी में पूरा एसी लगा है, इसमें एसी में ही काम करना पड़ता है। और कंपनी में आने से पहले यहाँ पे फिंगर रखना पड़ता है ताकि सेठ को मालूम पड़े कौन टाइम से आ रहा है काम करने के लिए, और जाते जो मैं काम करता हूँ देख सकते हैं, हम इसी में काम करते हैं, साड़ी का सजावट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साड़ी का पाइप खुल रहा है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे खुलेगा, उसके बाद साड़ी का तैयारी होगा। और देख सकते हैं ये सब पैकिंग माल है जो मार्केट में बिकने के लिए जाएगा, ये सब साड़ी मार्केट में जाएगा बिकने के लिए, ये सब पैकिंग करेंगे उसके बाद भेजेंगे बेचने के लिए। अब देख सकते हैं अभी बहुत सारा साड़ी खोलने के लिए बाकी है, ये सब मशीन में से लिफ्ट से ऊपर आता है, पाइप खोलने के लिए ऊपर साड़ी खुलता है, उसके बाद यहाँ से सब कार्यक्रम स्टार्ट होता है साड़ी का। और ये सब अभी पैकिंग होगा, साड़ी पूरा रेडी है पूरी तरह से, अब ये जाएगा साड़ी मार्केट में बिकेगा, और जिसका मतलब जो खरीदता है वो चाहेगा तो इस पर कुछ और क्वालिटी बढ़ाकर पैसा के लिए बेच सकता है। और बहुत तरह तरह के साड़ी बनता है और बहुत रंग रंग का साड़ी बनता है बेचने के लिए इस कंपनी में,
और देख सकते हैं जैसे साड़ी मार्केट में बिकता है वैसे पैकिंग हो गया है, अभी जाएगा बेचने के लिए सब साड़ी। और देख सकते हैं हमारे कंपनी से बहुत सारा साड़ी पैकिंग होता है और सूरत जाता है बिकने के लिए। लेके तो जाओ, ये है कांजीवरम। कांजीवरम ले लो ले लो। कांजीवरम मतलब क्या होता है भाई? साड़ियाँ मिलती है यहाँ पे, कितनी साड़ी चाहिए? 500 रुपये में 3 साड़ी। बोलो कितना लेना है? देखो ले गया वो पैकिंग वाला साड़ी है गाइस, ये जाएगा बिकने के लिए। अब ये भी मेरा दोस्त ले जाएगा पैकिंग वाला साड़ी। और देख सकते हैं जो साड़ी मैं आप सभी को दिखाया हूँ इसमें पैक होगा, उसके बाद जाएगा सूरत माल लोड होकर। देख सकते हैं कि सब खाली है, अब धीरे धीरे सब पैकिंग होगा, सब साड़ी पैकिंग होगा इस डब्बे के अंदर। और हर डब्बे के अंदर पन्नी लगा दिया गया है क्योंकि बारिश हो, तो बारिश के कारण डब्बे के अंदर की साड़ी ना भींगे। और देख सकते हैं हर डब्बे के अंदर माल पैकिंग होना स्टार्ट हो चुका है। अब ये पूरे डब्बे में साड़ी पैकिंग होगा, उसके बाद बहुत सारा इसमें काम होगा। ड्यूटी का छुट्टी हो गया और देख सकते हैं हम लोग पूरा भीग गए हैं क्योंकि छाता ले गए थे, तो खाना खाने आए थे तो रूम पे छाता रख दिए, तो इसके कारण छुट्टी टाइम पूरा बारिश से भीग गए हैं। और कंपनी में बहुत ज़्यादा काम था, इसके कारण मैं अपना काम आप सभी को नहीं दिखा पाया, इसीलिए आज पार्सल गया तो मैं आप सभी को वो दिखाया हूँ। और अगले ब्लॉग में जब डालूंगा तो अपना काम दिखाऊंगा, तो अगले ब्लॉग का इंतजार करना। तब तक हम देखते हैं रूम पे आज क्या बनाना है और क्या करना है, नाइट में क्या खाना है। तो चलिए खाना के लिए रेडी होते हैं और भिंज गए तो जाते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद खाना बनाने के लिए रेडी होंगे। और देख सकते हैं मेरा दोस्त है जो नहा धोवा के रेडी हो चुका है, और वहाँ पे देख सकते हैं रमन भाई मेरा बर्तन माँज रहा है। आप सभी देख सकते हैं वहाँ पे बर्तन है, माँज रहा है, उसी में खाना बनेगा नाइट का, क्योंकि हमारे उतना हमारे रूम में बर्तन उतना नहीं है। और देख सकते हैं चूल्हा कितना गंदा हो गया है, ये सब छेरा भाई का रूम है इसीलिए गंदा हो जाता है बार बार, जितना भी साफ कर लें फिर से गंदा हो जाएगा। अभी साफ करेंगे सुबह गंदा ही हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादातर साफ नहीं करते हैं। और हम नहा धोकर रेडी हो चुके हैं, अब हम खाना के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज खाना बनाएंगे हम नाइट में, और सब्जी उब्जी आज बनेगा पनीर का सब्जी नाइट में, यही मेरे को शॉर्टकट लग रहा है बारिश के मौसम में, यही खाने में बहुत मज़ा आएगा, तो इसीलिए आज हम पनीर का सब्जी बना रहे हैं। और पनीर का कटिंग कर लिए हैं और उसको पहले सबसे पहले तारेंगे, उसके बाद पनीर बनाएंगे। ये देख सकते हैं हमारा पनीर कटिंग हो गया है, और इसके अंदर कढ़ाई में डाल दिए, इसको सबसे पहले हम तारेंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमारा पूरी छना रहे हैं, देख सकते हैं अनशन पूरी बेला रहा है, पहला बात की ये बेल रहा है पूरी। और देख सकते हैं कढ़ाई में कैसा पूरी गया है, फूला भी नहीं है, लेकिन फूलेगा कोशिश करेंगे क्योंकि तेल कम है कढ़ाई में, इसीलिए नहीं फूल पा रहा है पूरी। और देख सकते हैं हमारा इतना आटा का पूरी बनेगा गाइस, मेरा ब्लूटूथ तोड़ दिया लोग साला झगड़ा करके अपने में, देख सकते हैं पूरी वाला में। और गाइस हम सब्जी बनाने के लिए प्रोसेसर चालू कर दिए हैं, बहुत ही पूरी खाने के बाद तिलौरी खाने, इसके बाद अब सब्जी पनीर का सब्जी बनाने के लिए रेडी कर दिए हैं। और इस कुकर में आलू इसीने हैं पनीर में डालने के लिए, अभी प्याज भून रहे हैं, भूनने के बाद पनीर बनाएंगे, देखते हैं कैसा बनता है। और गाइस देख सकते हैं हमारा खाना रेडी हो चुका है, इसी में हम तिलौरी छान के और पूरी छान के रख दिए हैं क्योंकि बर्तन मलने में बहुत तकलीफ होता है। और यहाँ पर हमारा पनीर है आप लोग देख सकते हैं, और देख सकते हैं गाइस खाने के लिए सब कोई बैठ चुका है, साला कोई कच्छी पे है तो कोई गंजी पे है, देख सकते हैं यहाँ पे। और गाइस मैं अपना ऐसा पनीर ले लिया हूँ, सबको भी दे दिया हूँ, इसमें पूरी है तो हम पूरी निकालेंगे प्लेट में और खाना स्टार्ट करेंगे। तो हम खाना खा लिए, अब जा रहे हैं सोने, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग में, जय श्री राम।